सेलिब्रेट कर रहा हूँ सब अपने फ्रेंड्स के साथ एंड मेरी पूरी अभी जो एक वेब सीरीज हमने जो बनाई है मारगांव फाइल्स, तो हमारी पूरी टीम आई है मोस्ट ऑफ देम एंड दे ऑल आर वेरी डियर फ्रेंड्स. सो वी हैव जस्ट कंप्लीटेड द शूटिंग ऑफ द सीरीज एंड इंसिडेंटली माय बर्थडे आल्सो केम अभी. सो सबके साथ मिलते हैं. या वी आर सेलिब्रेटेड. क्या खास है सर बर्थडे के दिन? आज के दिन क्या खास और क्या नई चीज़ें लेकर आने वाले हैं एज अ डायरेक्टर आप? एज अ डायरेक्टर अब मेरा इससे डेब्यू हो रहा है तो बहुत बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस है, मतलब मुझे खुद से. आई होप पहले मैं अपने एक्सपेक्टेशन से उतरूं एंड देन आई होप पब्लिक को भी अच्छा लगे. तो आप क्या विश करना चाहेंगे कपिल जी बात करते हैं उनका? ओह, आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट और ये बहुत बहुत कामयाब हो जाए उनकी ये सीरियल, हम लोग सब उनके साथ वापस काम कर सकें. काफ़ी टाइम के बाद आपको मीडिया में देखा गया लगभग, तो मैंने किए मैंने प्यार किया बात किया काफ़ी साल, तो क्या मतलब आप अचानक कितना हिट फिल्म देने के बाद अचानक गायब हो गए मीडिया में? नहीं, थोड़ा बहुत काम किया था यहाँ वहाँ, लेकिन इट वॉज नॉट, मुझे जो रोल्स मिल रहे थे आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट. और फिर जो सेटअप था वो भी हमेशा इट वॉज नॉट दैट ग्रेट. जैसे राजश्री का जो सेटअप था, यू नो दैट वॉज अ वेरी नाइस फैमिली ओरिएंटेड, और हमेशा जो रोल्स मिलते थे वो नॉट व्हाट आई वांटेड टू डू. और फिर कपिल आ गया. इन दिस आई मस्ट टेल समथिंग, लाइक यू नो from that when I had seen Maine Pyar Kiya, I really loved her character. She was so interesting, like you know, and jis tarah ki her she was not very typical filmy jo hum used to hote the characters. So she was like a fresh air, and so we used to always wonder our friends and all ke where she disappeared. We wanted to see her, and when I was doing the casting of this show, I always wanted to work with her, but incidentally there was somebody who suggested me for certain character which I was looking around. So they said Parveen Irani, and I knew her as Parveen Dastoor. So I thought कहीं ये वही same तो नहीं है. तो Google में जाके पूरा पता किया, ये किया Instagram पे, okay, and then I was we have finally got her. So I was like, you know, I incognito. Yeah. Well, I called her up and I was like, you know, I really want you. Anyhow, you have to do it. Yeah. So मैं इतने सालों के बाद दोबारा एक तरह से कमबैक हो गया आपका, तो कैसा अब लग रहा है कि उस समय और इस समय में कितना डिफरेंस और कितना फर्क आपको? इतना कुछ फर्क नहीं है, लेकिन विद कपिल आल्सो उनका भी सेटअप इतना अच्छा है, इट इज वेरी वार्म एंड वी यू नो ऑल वर्किंग टुगेदर एज फ्रेंड्स. इट्स नॉट के यू नो, तो इसीलिए मैंने किया है ये सीरियल, because I'm comfortable with him. I like, you know? She was very very particular. I remember when I had spoken to her on the phone, she said mere liye ye sabse important hai ki how the people are and grow both the things. If the people are not good, I'm not comfortable, then I don't want to work. So she was so so clear about it. So for me it was not ki I have to act in films or in serials or anything. I have to be happy with the whole atmosphere, the whole role jo main kar rahi hu, jiske sath main kaam kar rahi hu, you know, that is very important. कपिल जी, क्या है इस सीरीज, क्या किस सीरीज है ये? एक सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री है, और इसका एक सबसे स्पेशल यूएसपी है कि इसमें बहुत सारी टैलेंटेड वुमेन एक साथ आ रही हैं इंडस्ट्री की. बहुत सारी, जैसे जीना तमान कमबैक कर रही हैं इससे, पल्लवी जोशी हैं, सुचित्रा कृष्णमूर्ति, शिल्पा शिंदे, परवीन दस्तूर, तनाज ईरानी एंड महाबानु मोदी कोतवाल, Diandra Suarez, and so there are lots of women in it, and they all are in very interesting role. Out to kill the men. And मतलब आप जो expect करेंगे हर एक चीज इसमें बहुत unexpected है, वो चीज है. तो एक इस तरह की suspense murder mystery है कि जिसमें इतनी सारी ये women protagonist हैं. So which I think is like, that in itself is a very good thing. Yeah. इतनी सारी powerful women. Yeah. Together, एक साथ.
कुछ काम किया था मैंने प्यार किया के बाद, आई हैड डन अ फिल्म विद मनी कॉल जी व्हिच वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, आर्ट फिल्म थी अहमद करके, जो वो दूरदर्शन की रिलीज हो गई। फिर मैंने कुछ आरोहण करके सीरियल की थी पल्लवी जोशी उनके साथ, एंड देन आई जस्ट हैड साइंड अ मूवी विद आमिर खान, तब आई वांटेड टू एक्चुअली आई नो हाउ टू से अगेन द सेम थिंग बट आई जस्ट वांटेड टू फ्लाई एंड माय कॉल केम फॉर माय ट्रेनिंग एंड आई हैड टू डिसाइड चूज कि मैं ये करूँ या वो करूँ, एंड ये हो गया था ना, तो देन आई डिसाइडेड टू फ्लाई। कपिल जी, इतनी सारी महिलाओं के साथ लाना आपके लिए कितना आसान, कितना टफ रहा है? बहुत मजेदार रहा, बहुत अच्छा रहा। एल एक्चुअली दे ऑल वर वेरी स्वीट, दे वर ऑल वर वेरी नाइस, एंड लगा था मुझे कि इतने सारे, मैंने इनफैक्ट बाहर के लोगों को काफ़ी वो था, वो मुझे डरा रहे थे कि आप इतने सारे विमेन के साथ आ रहे हो, बहुत सारे मुश्किलें हो सकती हैं, टेंट्रम्स हो सकते हैं, बट दे ऑल कोऑपरेटेड वेरी मच, ऑल वर वेरी काइंड। आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा कुछ बता सके, किस तरह का रोल आपने ट्रीजा करके, एंड बेसिकली आई एम अ बाईस्टैंडर, मैं सब देखती हूँ क्या हो रहा है, यू नो कौन किसके साथ खेल रहा है, क्या हो रहा है, very quietly I am observing everything, you will see in the when you see the serial. अच्छा कपिल जी, कब ये सीरीज कहाँ देखने मिलेगी, कब देखने मिलेगी? हाँ, अभी इसका शूट कंप्लीट हुआ है, बहुत जल्दी ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट होगा, पर अब ज़्यादा समय नहीं है, बहुत जल्दी आ जाएगी, एंड अच्छे ही OTT पे आने वाली है, तो वो लोग खुद इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और फर्स्ट टाइम लाइफ में जिंदन जी के साथ काम करने का मौका मिला, एंड ऑल दीज गाइज वर फ्रेंड्स ऑफ माइंड, परवीन, ये अनन्या और ये सब जो हैं लोग, ऑल फ्रेंड्स, सो बहुत मज़ा आया। द ओनली सैड थिंग वाज ये सीरियल शुरू होती है मेरे मरने से, तो मतलब मेरा पहला शॉट था वो कॉफिन में था, तो मुझे डर था कि इसके बाद में मुझे बुलाएंगे नहीं, लेकिन बुलाया फिर मैंने, और भी मेरी शूटिंग हुई, और भी मैं बहुत जगह शूटिंग करनी पड़ी, कि डर ये था कि अभी अगर शुरू होता है मेरे बहुत उसके बाद क्या होगा, लेकिन उससे बहुत सारी बैक स्टोरीज थी, बहुत मज़ा आया, इट वॉज लवली बिकॉज ऑल दीज पीपल आर फ्रेंड्स, एंड लाइक जीनत वाज सो डाउन टू अर्थ एंड वेरी फ्रेंडली, एंड ऑल ऑफ अस हैड अ ग्रेट टाइम, एंड द सीरियल हैज रियली कम आउट वेल, सो मेनी ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, ही व्हेन ही टोल्ड मी अबाउट दिस थिंग ही सेड दैट ही इज अ अगाथा क्रिस्टी फैन, एंड ही राइट्स द वे अगाथा क्रिस्टी यूज्ड टू राइट विद दिस हू डन इट थिंग, तो हर मोड पे कुछ अलग सी चीज़ होती है, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज गोइंग टू कीप दिस सीरियल वेरी इंटरेस्टिंग, कि पता नहीं चलेगा कौन क्या कर रहा है, किसका मर्डर किसने किया, ऐसे बहुत सारी उसमें ट्विस्ट्स हैं, आई थिंक इट इज वेरी बेस्ट। सर, आपके मन में प्रश्न नहीं आया कि इतनी सारी मतलब एक्ट्रेस है, बहुत सारे एक्ट्रेस है, आप एक्टर हो क्या, कितने एक्ट्रेस कपिल जी, क्या बात है, कुछ प्रश्न आया था सर कुछ आपके मन में? अरे जब मैं पहले सीन में मर जाता हूँ तो मैं एक्ट्रेस है एक्टर है सीरियल से शुरू हो जाए तो नहीं, इट वाज द होल थिंग वाज कि इट्स अबाउट अ फैमिली, कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और आई एम द हेड ऑफ द फैमिली एंड जीनत इज माय वाइफ, और जब मेरा मर्डर होता है तो ये पता चलता है कि आई हैव बीन नास्टी टू एवरीबडी, बहुत सारे लोगों में के मन में मेरे बारे में हेट्रेट है, तो उनको तो कोई भी मुझे मार सकता है, तो ये उसमें एक सस्पेंस था कि कोई भी इनमें इतने सारे लोग जो फैमिली के हैं, एवरीबडी हैज समथिंग अगेंस्ट मी, तो आई थिंक दैट्स इज व्हाट कीप्स इट इंटरेस्टिंग, एंड ही इज रिटन इट एक्सट्रीमली वेल, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने डेवलप किया, एंड दीस गाइस आर ऑलवेज देयर। जी सर, आप आगे बढ़ जाते हो ना उसमें बाद में, लेकिन थोड़ी देर बाद नहीं, आपसे आपके बात जी बताएंगे, सर आपके कैरेक्टर, आप बताएंगे सर क्या कैरेक्टर है आपका, और कपिल जी का बर्थडे के लिए भी। हाँ जी, सो ऑब्वियसली हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एवरीबॉडी। व्हाट डू यू वांट टू से? First of all, I wanted to say that this is the first time, you know, Parveen Dastoor is his wife,
So they both are coming together on the screen together again. First time. But I doubt we have any scenes together. I mean, like, it was not. Like, you know exactly, yeah. Okay. How much do you want me to reveal and no, not to reveal? Kitna matlab? Abhi to thoda sa. Thoda sa. Haan, to love angle hai. Jo, that's basically. I didn't know that. But somebody else. I cannot disclose now. I didn't know that. He's innocent, he's likable, he's gullible, and he falls into the trap. That's all that I can say. That he's probably a nice guy who doesn't know what he's getting into. Or when he gets into it, he can't get out of it. So, that's basically the thing. And yeah. It's a very intricately written thing. So there are lots of things. So it's not just one murder that people are trying to find out, it's lots of things that happen. And since it's a suspense, so a lot of things we cannot tell right now. That's right. Audience confused like kisne kya kiya. Yeah, a lot of twists and turns. We are confused before, then we managed to kind of get a little of what was going on. Okay, and the question about the thing was which I want to get back to, like, anyway, aapne pucha ki kai sari actresses ke saath Kapil. Forget Kapil, I was scared. I was in the sense then Kapil first said, and when my wife Kapil came and said, like, you know, that this and this. No, he was scared because there were so many beautiful women and he was with his wife. That's why he was scared. I said, how was he going to manage it? And he managed it amazing. I mean, wonderful. I doubt anybody for that. अच्छी कला है कपिल जी में ये कह सकते हैं. जी सर जी लड़की लोग. बहुत 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 Multi talented. Yes. Yeah. And one of his talents is like, you know, to organize and get everything together. There is a lot of positive energy everywhere. Yeah. Yes. There was no hassles. There was nobody. Lots of cooperation. Yeah. Lots of cooperation from everybody. And I think that's what made it good. Yeah. That's why I think a serial becomes good when there are no. Envy, like everyone they wanted to help to each other room, and like, you know, they wanted to help out with the project. It was all very nice. Thank you, sir. Abhi is getting younger and younger every year, so abhi kya hi kehna. And about Margao Fires, he's such a good writer and such a good director. I've done pretty much all the projects so far. Maine sab projects mein kaam kiya hai since which year? 2015. Yeah, 17. How 17? Yeah, was the first one? Yeah. Okay, 2017. So, yeah. No, it's nice. It's interesting. I can't talk more about my character, but it's glamorous and it's mysterious. And watch the series. Ma'am, what are you हैप्पी बर्थडे कपिल. ये तो हमारा ईयरली रिचुअल है एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट हमारा वेब सीरीज का भी अनाउंसमेंट हो रहा है. उसमें मेरा कैरेक्टर ऐसे है कि रियल लाइफ में मैं जो हूँ उससे एकदम ऑपोजिट है, पर उसमें भी मिस्ट्री है. हर कैरेक्टर के बहुत शेड्स होते हैं. इसमें बहुत शेड्स मुझे मिला प्ले करने के लिए, सो आई एम वेरी हैप्पी. First of all, I mean, we all can see they both are very gorgeous ladies, very beautiful, and they are very close friends also. And हम लोग पिछले 5-6 साल से साथ में काम कर रहे हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स में. एंड लाइक यू नो, इसमें भी इन लोग दोनों का बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग रोल है. एंड दे Once they get into the character, they are 100% into it. So it's always a pleasure working with them. The set pe mab kis mela na ko bahut kis actress na ko bahut sataya ek pareshan kiya ki ye aap Kapil ji se ek minute aap Kapil ji se pooch rahe ho.
कपिल जी मतलब डिप्लोमेसी के मुहूर्त है, ये जवाब नहीं देंगे इस जन्म में तो नहीं देंगे, अगले 7 जन्मों में भी नहीं देंगे, तो आप मतलब गलत इंसान से क्वेश्चन पूछ। कपिल का एक सुपर पावर है, उसको कोई नो नहीं बोल सकते हैं, दैट इज ए सुपर पावर, उसको कोई भी ना नहीं बोल सकते। कपिल हंस के सबसे उसको जो चाहिए वो काम निकाल लेते हैं। मतलब यही जवाब होगा हर ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन का, ऐसा ही जवाब जो मोस्ट ऑफ द एक्ट्रेसेस थी, दे आर सच इतनी टैलेंटेड, लाइक किट्टू गिडवानी, पल्लवी जोशी, प्रवीण दस्तू, वेटरन, मतलब सो दे आर सो गुड कि आपको एक बार बस समझाना होता है एंड दे आर लाइक दिस, यू नो, यू गेट इट, लाइक यू नो। एंड इनफैक्ट अगर हम 2-3 टेक्स लेते हैं तो हर टेक में इतनी वेरिएशन है, एडिट पर डिसाइड करना पड़ता है कौन सा टेक रखें, कौन सा उन रिएक्शंस रखें। ऐसे पूछे ना कि कौन सी एक्ट्रेस सबसे ज़्यादा मस्ती खो रहे हैं सेट पे, तो जवाब देंगे जी, बता दीजिए। ये सवाल था मेरा। एंड अनन्या इज सो सिंसियर कि इसके सिंसियरिटी से कभी कभी मैं टंग भी हो जाते, डर भी होता है, मतलब शी इज वेरी वेरी पंचुअल एंड वेरी लाइक यू नो फॉर आवर स्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग, लाइक यू नो। हाँ तो काम तो करना है ना, ठीक से काम करना है, तो हम क्या ठीक से नहीं करते? नहीं, मैं मेरे लिए, आप लोग वेटरन्स हैं, आप लोग वेटरन्स हैं, मैं नहीं हूँ। नॉट नॉनसेंस, हाँ मतलब कुछ भी। Thank you. My best wishes are always there with him. He's a sweetheart. And he's a very good director. Very patient, cool, calm. Like जो सीरीज हमारी थी, इन्होंने बहुत ही बहुत सारी चीज़ें थी, यू नो, डबिंग में बहुत सारी चीज़ें मेरे से ठीक करवाई है, वो सब देखेंगे तो पता चलेगा। आई थिंक मैंने अच्छा डबिंग किया हो, बहुत अच्छा किया है, बिकॉज शॉट देते वक्त तो कुछ भी बोला हुआ है, कुछ भी, बिकॉज मारगांव फाइल्स, मतलब इसमें बहुत सारे, आप बताओ। हाँ, इसमें मारगांव में फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल शिल्पा का, शी इज़ वन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट इन इट, एंड बहुत बहुत अच्छा रोल है और बहुत ही डिफरेंट लुक है, अभी तक आपने शिल्पा को ऐसा देखा नहीं होगा, जो मतलब एकदम बहुत ही डिफरेंट और बहुत अच्छा लुक है। और इसमें सारे प्रोटैगनिस्ट हैं, सभी जो है, मतलब दिग्गज है, बड़े बड़े दिग्गज हैं, बट उन सब में शी इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन प्रोमिनेंट उनमें। एंड शिल्पा के साथ जो काम करने का, इट हैज़ बीन द स्वीटेस्ट एक्सपीरियंस, शी इज, सामने बैठी इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट वो बहुत बहुत स्वीट लड़की है एंड शी इज, मतलब शूट पर पता ही नहीं चलता था कि कोई एक्ट्रेस है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरे पीछे बोलना चाहिए क्योंकि मेरे पीछे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, वो गलत बोलते हैं जो बोलते हैं। आई एम टेलिंग यू, मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं इससे पहले इनको जानता नहीं था, पहली बार हम लोग इस फिल्म के लिए ही मिले थे, सीरीज के लिए, एंड फ्रॉम द फर्स्ट डे टू द लास्ट डे टू द डबिंग टिल नाउ, इट्स जस्ट बहुत ही स्पेशल ये रहा है काम करने का मौका इसमें। मैंने बाकी के सारे कैरेक्टर पहले देखे, बाकी के सारे जो सी आप किसके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते हो, मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट, इंस्टेड ऑफ आप क्या कर रहे हो, यू नो, फिर आप उन सबके साथ मिक्स हो जाते हो, फिर आप ऐसे ऐसे स्टारकास्ट के साथ आप ऐसे डायरेक्टर, आई मीन सब सारी एक बेस्ट कॉम्बिनेशन हो ना, तो आप उसमें छोटा सा भी कुछ करते हो ना, सी छोटा सा भी कुछ करते हो तो बहुत मज़ा आता है, यू नो, यू फील गुड, तो वो मेरे लिए था। तो मैंने अपना रोल, मैंने सचमुच बाद में पूछा कि मेरा रोल क्या है, मैंने कहा बस मुझे करना है, और बस मुझे करना है। नहीं, एक्चुअली मैं ऑलवेज अपने लाइफ में, इतना अच्छा रोल है इसमें, इसमें सब लोगों का, हाँ वो तो आप कभी आर्टिस्ट भी कभी सेटिस्फाइड होता ही नहीं है, उसको सब कुछ चाहिए, सब कुछ करना है, सो उसको सब कुछ करना है, तो उस हिसाब से, बट आई एम वेरी सेटिस्फाइड विथ माई, यू नो, जो मैं उसमें, मैं किरदार जो निभा रही हूँ वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब तक मैंने वैसे नहीं किया है,
सो एक ये भी होता ना कि इतनी सारी महिला को कहीं मुझे माइलेज कम मिल जाएगा शायद या वो कहीं कम हो जाए। नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, वही कहा ना सबको देखकर ही मैंने हाँ बोला है। मतलब ऐसे इन्होंने स्क्रिप्ट तो भेजी थी लेकिन पहले इन्होंने अपनी स्टारकास्ट बताई और स्टारकास्ट के बाद ही ओ माई गॉड आई वॉन्ट टू पार्ट ऑफ दैट यू नो दैट प्रोजेक्ट ऐसा था। मैंने पहली बार गाली दी है ये वही सीरीज है जिसने मुझे गाली सिखाई और मैं कई थैंक्स बोलना चाहूंगी इनको, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम के खोल के बोलो डबिंग में सारी एक्टिंग बहुत अच्छी करती हैं बट गाली देने में ही इनको इतना बेचारी बोल ही नहीं पाती थी, इतनी स्वीट है गाली निकलती नहीं थी बट देन कैसे कैसे करके सब मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मैंने कहा नहीं वो साइलेंट ही था डबिंग में कर लेंगे और जब आप देखोगे तो बहुत भारी भरकम आपको सुनाई देगी आपका लिया Oh my God. तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो वेब सीरीज में मैं जिसके ऑलवेज अगेंस्ट रही हूँ कि ये नहीं करना है वो नहीं करना है लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ठीक है दिल को अच्छी लगती है, नहीं मुझे करनी है तो मुझे गाली देना मुझे करना था, नहीं नहीं मैं दूंगी हो नहीं रहा है लेकिन नहीं बस मज़ा आता है कभी कभी क्योंकि लोग प्यार में भी दे देते हैं ऐसे देखा है तो वो भी कभी नहीं दिया तो बस मज़ा आ गया। थैंक यू। मेरे ख्याल से मतलब ऑफ कोर्स तो हैप्पी बर्थडे कपल, इट्स ग्रेट टू बी हियर टू सेलिब्रेट द रैप ऑफ मारगांव फाइल्स एंड या एंड वेरी हैप्पी बर्थडे एंड वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड टू बी हियर एंड कांट वेट फॉर यू टू सी द प्रोजेक्ट। मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा आया, ज़बरदस्त आया, वी ऑल डन वेरी वेल अंडर कपल्स गाइडेंस एंड वी आर एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड। मेरा किरदार बहुत इंटरेस्टिंग है, इनफैक्ट जब कपिल ने मुझे ये किरदार ऑफर किया तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी एंड देन आई आस्क्ड हिम, आई सेड कपिल आर यू श्योर दैट यू वांट मी फॉर दिस पार्ट, आई मीन व्हाई हैव यू अप्रोच्ड मी, क्योंकि जो किरदार मैं निभा रही हूँ वो एक बहुत सेंचुअस सेडक्ट्रेस टाइप की लेडी है एंड मैं तो यू नो आई एम क्वाइट डिस्कनेक्टेड, दैट आई वाज क्वाइट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दैट एस्पेक्ट ऑफ माय पर्सनालिटी एंड ऑल एंड आई सेड मैं और सीडक्ट्रेस कैसे बनूंगी यू नो, सो कपिल ने कहा कि सी द वे यू सी योर सेल्फ इज़ नॉट द वे वी सी यू, सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि तुम हो, तुम ही मेरी समानता हो, तो आई सेड चलो अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो मैं करती हूँ, वो मुझे सीडक्ट्रेस बनने की कोई कॉन्फिडेंस नहीं थी उस वक्त। कपिल आपने मुझे जब लिखी होगी कहानी ये कैरेक्टर ये करेंगे ये करते ये तो कैसे कुछ हुआ कहीं इसको ये दे दे इसको ये दे दे या डेफिनेटली जैसे जब इनके कास्टिंग का चल रहा था सो जनरली इन्होंने जब कभी हाँ कभी ना की थी तो जब से इनका इमेज बहुत स्वीट सिंपल ये था बट शी इज मच मच मोर देन दैट एंड आई हैड टू टैप दैट थिंग एंड इसमें आप देखोगे तो आप एकदम ही ग्लैमरस एंड जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं इनके करेक्टर्स के में I think for me as an actor that was also very exciting कि इतने nuances हैं, आप मुझे को मालूम नहीं था कि अभी मैं positive हूँ कि क्या है, मैं मेरी चाल क्या है, मैं कर क्या रही हूँ, मैं कैसे you know लोगों को around me manipulate कर रही हूँ, कैसे scene को बढ़ा रही हूँ, कैसे story को बढ़ा रही हूँ, तो for me as an actor मुझे बहुत challenging लगा और बहुत exciting लगा। एक तरह से शतरंज है ये, हाँ कभी इनका वल्नरेबल रखती हैं, कभी इनका बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है, कभी एकदम इमोशनल, कभी एकदम रोमांटिक टाइप का, बहुत सारे शेड्स। हाँ और एक तो पहली दिन की शूटिंग में वो किसिंग सीन कराया इन्होंने मुझसे, मैंने बोला मैंने इतने सालों में कभी नहीं किया, ऑफकोर्स कभी हाँ कभी ना में ब्रीफ किसिंग सीन थी बट ही मेड अस सो कम्फर्टेबल एंड रवि भाटिया के साथ है तो मैंने रवि जी से कहा कि देखो मैं सब ये सब भूल चुकी हूँ मेरी, सो यू बेटर लीड द सीन, सो ही आल्सो स्टार्टेड लाफिंग एंड ही सेड मुझे भी कुछ नहीं मालूम, हम लोग ट्राई करते चलो क्या आता है करके। सो क्या कभी कभी किसी से सिंपैथी से गाली कीश भरत जी का मर्डर सब
हाँ कुछ अनयूजुअल होता है तभी तो इंटरेस्टिंग होता है, देखा दिखाया टाइप का हो, एंड जिस तरह से हमने कभी एक्टरों को उस तरह के रोल में नहीं देखा है, तो इट मेक्स वेरी वेरी मच इंटरेस्टिंग आई थिंक फॉर द ऑडियंस. आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द ऑडियंस एंड फॉर एज एक्टर्स ऑल्सो. बहुत ही चैलेंजिंग लगा क्योंकि आप जब देखेंगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन सा कैरेक्टर क्या चाल चल रहा है, यू नो क्या हो रहा है, किस तरह मुड़ने वाला है स्टोरी. तो आई मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा एंड बहुत चैलेंजिंग लगा एज एन एक्टर. बहुत मज़ा आया यू नो द होल यूनिट, क्योंकि लॉन्ग आउटडोर थी एंड तो बहुत मतलब हमने बहुत जुड़ के काम किया, दोस्ती बनाए यू नो, और एंड रिजल्ट स्क्रीन पे अच्छा आया, बहुत अच्छा आया. एंड दे ऑल वर वेरी वेरी कोऑपरेटिव, वेरी हेल्पफुल. आई मीन नहीं तो आई मीन वी हैव अ सच अ ह्यूज स्टार कास्ट, ह्यूज कास्ट एंड या एंड गेटिंग अराउंड दिस 8 टैलेंटेड एक्ट्रेसेस टुगेदर, बट एवरीथिंग वेंट सो स्मूथ. दे ऑल वर वेरी कोऑपरेटिव, वेरी हेल्पफुल. Very kind. So no jhagda, no cat fight, sorry. नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि आई थिंक हम लोग सबकी रोल इतनी अच्छी है, वेल डिफाइंड है और अलग अलग है यू नो. सो देर वॉज नो क्वेश्चन कि किसी को लगा कि दैट इज बेटर और आई एम बेटर और आई नीड मोर अटेंशन और शी इज गेटिंग मोर अटेंशन, ऐसा कभी लगा नहीं. एंड सब क्योंकि वी वर्क विद अ फुल स्क्रिप्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो हमें पूरा अंदाज था कि किस तरह हर किरदार लिखा गया है और किस तरह किस डायरेक्शन में हमें जाना है, किस तरह किस डायरेक्शन में स्टोरी जा रही है. तो इन दैट सेंस वी वर ऑल वेरी वेल इन्फॉर्म्ड एंड वेरी सिक्योर अबाउट द होल सेटअप. यस, सबसे पहले मैं ऑब्वियसली हैप्पी बर्थडे विश करना चाहूँगी. ये एक बहुत ही स्वीट इंसान है एंड मोर देन अ डायरेक्टर आई थिंक वी बिकम ग्रेट फ्रेंड्स एंड ऐसा ही होना चाहिए. आजकल इंडस्ट्री में इतना सब होता नहीं है, सिर्फ काम से काम यू नो मतलब रखते हैं उसके बाद भूल जाते हैं. बट आई एम रियली सरप्राइज कि आज की दुनिया में भी हम लोग फ्रेंड्स बना सकते हैं. इट्स अ वेरी ही मतलब ही इज केप्ट द होल यूनिट टुगेदर. आज बर्थडे पे यू नो सबको बुलाया है ताकि हम लोग एक बार फिर से मिल सके. एंड इनफैक्ट वी वर सेइंग कि प्लीज़ आप कुछ रखो ताकि हम लोग सब मिल सके. सो ऐसा कुछ भी नहीं था कि शूटिंग के दौरान हम लोग यू नो एक दूसरे को नीचा गिरा रहे थे या इसका रोल ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं था. इनफैक्ट हम एक दूसरे को बहुत ही मदद कर रहे थे ड्यूरिंग द शूटिंग. सो आई थिंक वी बिकेम फ्रेंड्स जस्ट द बाई प्रोडक्ट. आपका रोल क्या है? मेरा रोल अगर मैं आपको बताऊँगी तो आप इतने शॉक्ड हो जाएंगे. और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मेरा रोल क्या है, मैं एक अवार्ड देना चाहूंगी कपिल जी को जिन्होंने मुझे इतना काबिल समझा कि मैं ऐसा रोल पोर्ट्रे करूं. और वो रोल है एक महाराष्ट्रन हवलदार जो घूस खाती है, जिसकी ज़ुबान इतनी अच्छी नहीं है. अब ये सब चीज़ें मुझे पता है कि मैं ये रोल कर सकती हूँ क्योंकि एक एक्ट्रेस होने के नाते यू अंडरस्टैंड के अच्छा ये मैं कर सकती हूँ वो मैं कर सकती हूँ और मैंने ऐसी सारी चीज़ें देखी है. हम लोग अक्सर आईने के सामने ऐसे पोर्ट्रेल करते हैं, यू नो वी नो व्हाट वी कैन डू. लेकिन ऑब्वियसली आम तौर पे मैं नहीं समझूंगी कि कोई मुझे इतना काबिल समझेगा कि एक हवलदार का रोल देगा मुझे. एंड बाकी तो आप कपिल जी से पूछ सकते हैं कि मैंने उस रोल को कैसे निभाया, क्या किया, कैसे मैं एक्चुअली उस रोल के अंदर बिल्कुल घुसी गई थी. टोन भी वो महाराष्ट्रन टोन, मैं मराठी बहुत अच्छी तरह से बोलती हूँ एंड और उनको ज़रा सा फ्लेवर भी मैंने डाला. लाइक आई डोंट थिंक एनीवन कैन थिंक के तनाज इतने बैड वर्ड्स या गालियाँ बोल पाएगी. लेकिन एक पारसी कॉलोनी में रहने के बाद जहाँ पे हमारा यू नो पंजाबी लोग कैसे गालियाँ बोलते हैं ऐसे प्यार से, तो हमारे पारसी में भी हम प्यार से इतने सारे गालियाँ बोलते हैं. सो कानों पे वो ऑलवेज यू नो होता है, बट ऑब्वियसली मैं नहीं बोलती हूँ. बट जब मौका आया और ऐसा रोल आया तो मैंने वो सारे जितना भी मैं इन्फ्लुएंस हुई थी वो सब कुछ मैंने वहाँ पे निकाला. सो इट्स नाइस व्हेन यू कैन टर्न द रियलिटी इनटू अ रोल यू आर प्लेइंग एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड फॉर दिस रोल. कपिल जी
कपिल जी कनाज जी पारसी भी है और मराठी कैरेक्टर बन जाती है पहले से बिकॉज आई ऑलवेज शी इज अ टेरिफिक एक्टर ऑलवेज आप जो शो देखो जबान संभाल के वेदर एनी थिंग और एनी मूवी शी इज ऑलवेज लाइक अ लाइव वायर शी इज लाइक फैंटास्टिक सो आई डोंट नो शी फील्स इट्स सरप्राइजिंग फॉर मी बट इट वॉज नॉट सरप्राइजिंग दैट शी विल नॉट डू जस्टिस टू इट एंड ये इतनी अच्छी है मूवी में आपको मैं इस वजह से समझ में आ जाएगा जब ये इनका रोल था ओरिजिनली में ये एक स्पेशल अप्रेंस रोल होने वाला था पर जैसे ही इन्होंने जो पहला सीन शूट किया नॉट ओनली मी एंटायर जो क्रू का रिएक्शन था और वो एक साइलेंट शॉट था ये भी नहीं था डायलॉग का इनको बस खाली जीप से उतरना है एंड शी हैज़ टू गिव एक लुक और तंबाकू खाना है द वे शी डिड इट एंड वी ऑल वर लाइक यू नो वी हैव गॉट अ विनर नाउ हो गया ये बहुत सही हो गया एंड देन ये जो कभी कभी ऐसे होता है ना एंड आई वुड गिव हर यू नो दिस चीज़ का क्रेडिट कि ओरिजिनली इतना बड़ा रोल नहीं था बट इन्होंने एसेंस समझा तब भी नहीं तो बहुत लोग यू नो दे थिंक कि अरे जितना लंबा होगा उतना अच्छा होगा रोल इट कभी वैसा नहीं होता इट्स ऑलवेज चाहे अगर दो सीन भी हैं तो कितने अच्छे हैं करेक्ट तो शी अंडरस्टूड दैट थिंग एंड फिर इतना अच्छा हुआ कि धीरे 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 वो बढ़ता ही गया एंड इट्स नाउ लाइक यू नो जो एट मेन प्रोटैगनिस्ट है शी इज़ वन ऑफ दैम हाँ मुझे क्लियरली बोला गया था कि दो सीन है दो दिन का काम है एंड ऑल दैट आई एम लाइक ओके फाइन क्योंकि ना मैं थिएटर से हूँ और थिएटर में हमें सिखाया गया था कि कोई भी रोल छोटा नहीं होता है सिर्फ एक्टर छोटा है रोल छोटा होने से आप उसमें इतना जान डाल सकते हो कि वो आप इतना बखूबी निभाओगे कि एवरीबडी विल रिमेंबर दैट सीन सो बिकॉज हम लोग थिएटर से आते हैं इसलिए मुझे कोई भी रोल करने में इतना मतलब आई डोंट फील बैड कि ओ माय गॉड छोटा है इसका बड़ा है मैं बस अपना देखती हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी टू डू द रोल दैट आई एम डूइंग थैंक यू टुडे इज कपिल शर्मा कपिल कौस्तुभ शर्मा बर्थडे कपिल मेरा बहुत डियर फ्रेंड है फैमिली मेम्बर है एंड कपिल के जो फादर थे जो कुछ एक साल पहले ही गुजर गए केसी शर्मा जी मेरे गुरु जी रह चुके हैं और अगर मैं किसी की दिल से बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड आदर करता हूँ तो दैट इज़ अंकल मे हिज़ सोल रेस्ट इन पीस एंड आई एम श्योर ऑल ओवर दिस होल फैमिली अंकल की एनर्जी देख रही है एंड कपिल का जो सीरीज़ है विच इज़ मार्किंग ज़ीनत अमान्स कम बैक विथ एन ऑसम एंसेंबल कास्ट ऑफ आई बिलीव शिल्पा शिंदे केतु गिदवानी पल्लवी जोशी परवीन दस्तूर सुचित्र कृष्णमूर्ति बरा डबोलकर कपिल ने इन सब नामों बताया मुझे आई एम वेरी कीन टू सी इट एंड ज़ीनत अमान मारगांव द क्लोज फाइल्स I wish Kapil a very happy birthday and a fantastic life ahead. Kapil ji, kuch ho raha hai Kapil kar raha hai. Upcoming project वगैरह. मेरी बात छोड़िए ना. बात कीजिए कपिल की. मैंने लंबा गैप लिया है. मेरा मूड करेगा. धड़कन 2 की काफी चर्चा हो रही है. हां धड़कन 2 की चर्चा है लेकिन अब तक डिस्कशन ही चल रहा है मेरा उनके साथ. जिस दिन कमिट होगा मैं आप सबको पहले अवेलेबल स्पेशल होगा और इतने लंबे गैप के बाद अगर मैं फिल्म कर रहा हूँ या करूँगा तो आई विल डेफिनेटली सी दैट द मीडिया इज़ देयर विदाउट द मीडिया व्हाट इज़ बॉलीवुड स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है आई कांट कमिट एनीथिंग यू नो लेट्स विश कपिल अ हैप्पी बर्थडे कपिल कौस्तुभ शर्मा हैप्पी बर्थडे वेरी लॉन्ग लाइफ हेल्दी लाइफ क्रिएटिव लाइफ थैंक यू को मैं तब से जानता हूँ जब वो बहुत छोटा था अब ये तो नहीं कह सकता कि मेरे सामने बड़ा हुआ है मेरे पीछे में बड़ा हुआ है क्योंकि मैं अनिल की दो फिल्में मैंने जब की थी तब वो छोटा था उसके बाद से इत्तेफाक नहीं हुआ हम अपनी दुनिया में बिजी हो गए और ये अपना ये बढ़ता रहा
अब ये डायरेक्टर भी हो गया है, एक्टर भी है, तो खुशी होती है ये देख के कि मेहनत से अच्छे से काम करता है। और सबसे अच्छी बात जो उसकी है वो ये है कि वो लीली अंकल को प्यार करता है। तो मेरा आज जो बर्थडे है उसका, उस पर मैं सिवाय आशीर्वाद के बौछारों के और तो कुछ दे नहीं सकता हूँ। और मेरी उम्र भी आशीर्वाद देने वाली ही हो गई है, तो ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद कपिल को। और लगन वाला लड़का है, वो आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। सर उनकी एक वेब सीरीज आ रही है मार्गो फाइव, उसमें आपने निर्माण वाले हो, सर आप ही हैं जी। उनकी एक वेब सीरीज है मार्गो फाइव, उसमें आप भी निर्माण वाले हो सर, क्यों आपको देखिए बहुत दिन हो गए सर। मैं भी हूँ उसमें। हाँ हाँ, क्या किरदार है सर आपका? मेरा किरदार है कि जो मकान प्रॉपर्टी का जो मालिक है उसका शायद मैं छोटा भाई हूँ, और उसकी डेथ के बाद जो है वो, चूँकि मैं शराबी हूँ, काम वाम करता नहीं हूँ, तो जैसे घर में होता है कि एक भाई नाकारा होता है, तो वो नाकारा भाई मैं हूँ जो कुछ करता नहीं है, लेकिन उसकी उम्मीदें जो हैं वो इस पर टिकी रहती हैं कि हिस्सा जो बटेगा तो मेरे हिस्से में भी कुछ आएगा, तो इसी उम्मीद में वो रहता है। तो शराबी है, लालची है, बीवी को बहुत प्यार करता हूँ, बीवी को बहुत प्यार।